साहिबगंज में तेजी से हो रहे गंगा कटाव से लोग दहशत में हैं। कटाव का सबसे अधिक दंश साहिबगंज शहर के वार्ड नंबर 18 के मलाही टोला, पुरानी साहिबगंज और आसपास के इलाके के लोगों को झेलनी पड़ रही है। इन क्षेत्रों का एक बड़ा भूभाग गंगा कटाव की भेंट चढ़ चुका है। साहिबगंज में गंगा नदी की धारा में बदलाव आने की वजह से साहिबगंज शहर के कई मोहल्ले गंगा कटाव की चपेट में आने लगे हैं। अगर समय रहते गंगा कटाव पर कोई ठोस पहल नहीं की गई तो भविष्य में शहर के पुरानी साहिबगंज, मलाही टोला, कबूतर खोपी, चानन गांव सहित कई मोहल्ले की एक बड़ी आबादी गंगा कटाव की जद में आ जाएगी। इन क्षेत्रों में पिछले दो महीनों से लगातार गंगा कटाव जोरों पर है, जिससे यहां के लोग भयभीत हैं। गंगा कटाव की स्थिति अगर यही बनी रही तो आने वाले दिनों में साहिबगंज के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी गंगा कटाव की भेंट चढ़ जाएगा। यहां के लोगों का कहना है कि गंगा कटाव के भय से वो इतने भयभीत हैं कि उनकी रातों की नींद उड़ गई है। अभी पिछले एक महीने से ये अभी आप जहाँ खड़े हैं यहाँ से तकरीबन 300 से 400 फीट दूरी पे गंगा थी, और पिछले एक महीने में कटते कटते आप देख लीजिए क्या परिस्थिति है, और लग रहा है कि एक आध महीने में गांव में गांव के अंदर चले जाएंगे। हम लोग काफ़ी परेशान हैं इससे। सरकार से आग्रह है कि जल्द से जल्द कटाव रोधी कार्य किया जाए, अन्यथा ये मोहल्ला गाँव मोहल्ला जो भी कहिए पुरानी साहिबगंज वार्ड नंबर 18 निश्चित रूप से गंगा में समाहित हो जाएगी। कटाव ग्रस्त इन क्षेत्रों में खतरे को भांपते हुए इसे डेंजर जोन घोषित करते हुए साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के आसपास लोगों के आवागमन पर पूर्णतः रोक लगा दी है। शहरी क्षेत्रों में गंगा कटाव को लेकर राजमहल के विधायक अनंत ओझा ने इन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द इन क्षेत्रों में कटाव विरोधी कार्य शुरू कराए, अन्यथा शहर की एक बड़ी आबादी वाला हिस्सा गंगा की कोख में समा जाएगा। साहेबगंज राजमहल उधवा में गंगा कटाव जारी है, और इस गंगा कटाव का सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष असर अभी वर्तमान में साहेबगंज नगर क्षेत्र, जो जिला मुख्यालय है नगर क्षेत्र के पुरानी साहेबगंज में मलाही टोला में, आप लगातार देख सकते हैं कि किस प्रकार से 400-500 फीट का गंगा काटते काटते और शहर के अंदर नागरिक आबादी जहाँ है, जहाँ लोगों का जीवन है, सैकड़ों वर्षों से लोग जहां रह रहे हैं वहां तक अब गंगा कटाव के चपेट में आने को तैयार है। मैंने विधानसभा स्तर पर हो या वर्तमान में अभी तत्काल यहां के स्थानीय जो शासकीय अधिकारी है, गंगा पंप नहर से जुड़े हुए जो यहां के कार्यपालक अभियंता है, यहां के मुख्य अभियंता है, इन लोगों से भी लगातार हमने आग्रह किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र दे करके अभी विधानसभा समिति की बैठक में हम एक दिन के लिए रांची गए थे, तो वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मिलकर के हमने कहा कि आप जल्दी से जल्दी काम प्रारंभ करिए, तात्कालिक उपाय करने के लिए, चूंकि इस कटाव को रोकने की दिशा में पहल हो, और शासन सरकार अगर इस दिशा में संवेदनशीलता के साथ अगर नहीं काम करती है तो मजबूरन लोगों के साथ मिलकर के हमें आंदोलनात्मक रुख भी करना पड़ेगा। लेकिन हम ये मानते हैं कि सरकार संवेदनशीलता के साथ जिस तेज गति से कटाव हो रहा है इसको रोकने की दिशा में सरकार पहल करे। तात्कालिक उपाय और दीर्घकालिक उपाय दोनों को लेकर के मैंने भारत सरकार के अधिकारियों से भी आग्रह किया है, राज्य शासन के अधिकारियों से भी आग्रह किया है कि इस गंगा कटाव को रोकने की दिशा में सरकार संवेदनशीलता दिखाते हुए पहल करे, ताकि बड़ी से आबादी को हम कटाव से, विस्थापन से बचा सकें। बहरहाल जरूरत है पक्ष और विपक्ष,
शासन और प्रशासन को मिलकर इस घोर विपदा में एक साथ आकर इससे निपटने की, ताकि साहेबगंज की एक बड़ी आबादी अपने घर से बेघर ना हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तस्वीर कितनी भयावह होगी इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। प्रीतम पांडे, न्यूज़ लाइव, साहिबगंज।